उदाहरण दो, यदि पी रुपए मासिक आवर्ती जमा खाते में 8% वार्षिक ब्याज की दर से एन माह तक जमा किया जाता है तो एन माह पश्चात आवर्ती जमा खाते में प्राप्त ब्याज की गणना कीजिए। हल, पी रुपए का एन माह बाद आर प्रतिशत की दर से ब्याज प्रथम किस्त का ब्याज बराबर पी गुणित आर बटा 100 गुणित एन बटा 12, क्योंकि यह धन एन माह तक रहता है। अब यहां पे हम लेंगे पी रुपए का एन ऋण एक माह बाद आर प्रतिशत की दर से ब्याज ये हमारा द्वितीय किस्त है बराबर यह है हमारा पी गुणित आर बटा 100 गुणित एन ऋण एक बटा 12, क्योंकि यह धन एन ऋण एक माह तक रहता है। इसी तरह से पी रुपए का एन ऋण दो माह बाद आर प्रतिशत की दर से ब्याज तिथि तृतीय किस्त का ब्याज बराबर पी गुणित आर बटा 100 गुणित एन ऋण 2 बटा 12, क्योंकि यह धन एन ऋण 2 माह तक रहता है। इसी तरह से एन ऋण 3 वर्षों के लिए ब्याज निकालेंगे और फिर एन ऋण 4 वर्षों के लिए भी इसी तरह से हम ब्याज की गणना करेंगे। इसी प्रकार पी रुपए
अंतिम माह के पूर्व, माह के पूर्व माह। इसी प्रकार पी रुपए का अंतिम माह से, इसी प्रकार पी रुपए का अंतिम माह से पूर्व माह बाद, अर्थात एन ऋण दो, जिसे हल करेंगे तो प्राप्त होगा दो माह। एन कोष्ठक को खोलेंगे तो ऋण एन जो है कट जाएगा, और ऋण को ऋण एक को ऋण दो से गुणा करेंगे तो दो माह आएगा। दो माह बाद 8% की दर से ब्याज अंतिम से पूर्व किस्त का ब्याज बराबर पी गुणित आर बटा 100 गुणित 2/12, क्योंकि यह धन दो माह तक रहता है। आगे देखते हैं, पी रुपए का अंतिम माह का 8% की दर से ब्याज अंतिम किस्त का ब्याज, अंतिम किस्त का ब्याज ये हो जाएगा बराबर पी गुणित आर बटा 100 गुणित 1/12, क्योंकि यह धन एक माह तक रहता है। कुल ब्याज ज्ञात करेंगे हम यहाँ पे, तो कुल ब्याज बराबर पी गुणित आर बटा 100 गुणित 1/12, ये हमारा उभयनिष्ठ निकल जाएगा, और कोष्ठक में रहेगा एन धन एन ऋण एक धन एन ऋण दो धन, इसी तरह से आगे बढ़ते जाएगा और अंत में हमें प्राप्त होगा दो धन एक, कोष्ठक बंद, बराबर ये हो जाएगा पी गुणित आर बटा 100 गुणित 1/12, और कोष्ठक में ये हम इसे लिख लेंगे एक धन दो धन तीन धन, इसी तरह से हमें प्राप्त होगा अंतिम पद एन ऋण एक, और अंत का जो पद अंतिम का एक पद का पहले का पद जो है एन ऋण एक और अंत का पद एन होगा, इसका योग करेंगे, और इसका योग के लिए हम पी गुणित आर बटा 100 गुणित 1/12, और यहाँ पे हम समांतर श्रेणी के योग का सूत्र लगाएंगे, तो जो होता है जिसे हम कोष्टक में लिखेंगे जो होता है एन धन एक कोष्टक में बटा दो, ये इसका सूत्र है। यहाँ पे हमने समांतर श्रेणी के योग का सूत्र लगाया है,
तो क्योंकि समांतर श्रेणी में है। कोष्ठक में जो दिया गया पद है वह समांतर श्रेणी में है, इसे हम यहाँ पे लगाएंगे। इसीलिए आवर्ती जमा खाता आवर्ती क्योंकि इसलिए आवर्ती जमा खाते में जमा धनराशि का कुल ब्याज बराबर सूत्र में पी गुणित आर बटा 100 तो था हमारे पास गुणित 1/12 ये है। और इसके बाद कोष्टक में हमने समांतर श्रेणी का योग का सूत्र लगाया एन कोष्टक में एन धन 1 कोष्टक बंद बटा 2 कोष्टक बंद जहां पी मासिक किस्त राशि है और आर जो है हमारे पास वह आर हमारे पास ब्याज की दर तथा एन जो है हमारे पास वो मासिक किश्तों की कुल संख्या है। इस तरह से हमने यह ज्ञात किया कि आवर्ती जमा खाते में जमा राशि का कुल ब्याज जो होगा वह पी गुणित आर बटा 100 गुणित 1/12 गुणित कोष्टक में एन धन 1/2 है। यह इस उदाहरण का हल होगा। आवर्ती जमा खाते में जमा धन राशि का कुल ब्याज बराबर पी गुणित आर बटे 100 पूरे के गुणे में 1/12 बड़े कोष्टक में एन गुणित छोटे कोष्टक में एन धन 1 पूरे के 2 बड़ा कोष्टक बंद जहां पी बराबर मासिक किश्त राशि आर बराबर ब्याज की दर तथा एन बराबर मासिक किश्तों की कुल संख्या। आइए अब सावधि जमा खाते के ब्याज की गणना को इन उदाहरण द्वारा समझें। इस खाते में जमा धन पर चक्रवृद्धि ब्याज देय होता है जिसका सूत्र इस प्रकार है कैपिटल ए बराबर कैपिटल पी कोष्टक में 1 धन r/100 पूरे की घात स्मॉल n जहां कैपिटल ए बराबर मिश्र धन कैपिटल पी बराबर मूलधन स्मॉल r बराबर ब्याज की दर तथा स्मॉल n बराबर समय। गणना में लघुगणक का भी प्रयोग किया जा सकता है।